बिहार सरकार जहां एक तरफ प्रदेश को दहेज मुक्त विवाह करने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं दहेज लोभियों द्वारा आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। घटना बेतिया के चिउटाहा थाना क्षेत्र की है, जहां दहेज में रकम और बाइक डिमांड पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया। वहीं हत्या के बाद घर के सभी लोग फरार हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में दामाद और उनके परिजनों द्वारा एक बाइक की मांग की जा रही थी। मोटरसाइकिल भरने की देवे पौले उतने पर हमारा बेटी के मुंह वाला बालू दहेज में 50,000 रुपया दे दानी, भैंस दे दलाबानी, मशीन दे दलाबानी, पलंग पोशाकी दे दलाबानी, बस एगो दहेज नहीं देवे पौले मोटरसाइकिल, वही चलते हमारा बेटी के मुंह वाला बालू। बता दें कि रिंकी देवी की शादी 2015 में हुई थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से महिला की सास को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।